स्वागत है मेरे इस नए कार्यक्रम में हमारे छात्रों अभिभावकों अध्यापकों सभी का स्वागत है। ये नया विषय मानसिक विज्ञान के नाम से शुरू करना चाहता हूं। आप पूछेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या है और ये क्या है, तो मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि माइंड साइंसेस या मानसिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो हर विषय के अंदर निहित होना चाहिए। इसमें हम चर्चा करेंगे कि छात्रों को अपने मन मस्तिष्क और भविष्य के बारे में क्या जानकारियां होनी चाहिए, शिक्षा का सही उद्देश्य क्या है और उन सही उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए कौन से रास्ते हैं, ये किन विषयों से होकर गुजरते हैं, सिर्फ फिजिक्स मैथमेटिक्स बायोलॉजी, क्या यहां से चलकर आप अपने भविष्य की उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे जहां तक जाना आपने सोचा है या जो शिक्षा का उद्देश्य है। अगर इसमें मन मस्तिष्क और मानसिक विज्ञान की बातें सम्मिलित नहीं हैं, तो मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आपका रास्ता दुर्गम है। मैं ये बड़े विश्वास के साथ सिर्फ इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैंने जीवन भर पिछले 43-45 साल डॉक्टर के रूप में मनोविकार चिकित्सक मेंटल हेल्थ एजुकेटर के रूप में नौजवानों के साथ छात्रों के साथ नए उम्र के लोगों के साथ काम किया, उनकी तकलीफों को समझा जाना उसका प्रयास किया और मुझे इस बात की खुशी है कि जीवन के इस अनुभव से मैंने जो कुछ सीखा, मैं चाहता हूं कि वे हर जन जन हर छात्र छात्राओं तक पहुंचना चाहिए। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य ही एक वह आयाम है जो उनके और उनके लक्ष्य की प्राप्ति के बीच खड़ा हुआ है। हमारे आज के सभी युवा बहुत ही प्रगतिशील संवेदनशील और इंटेलिजेंट है, सभी पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, सभी कठिन रास्तों को अपनाते हैं मगर सभी सफल नहीं होते। बात तो यहां तक है कि जब हम छात्रों और उनके मानसिक दशा के बारे में बात करते हैं तो जो कुछ शोध में देखा जाता है या जो आप अखबारों में पढ़ते होंगे या अपने गली मोहल्ले में घरों में बातचीत से जो कुछ आप देखते होते हैं, उससे ये विदित है कि लगभग 3/4 छात्र यूनिवर्सिटियों में तनाव महसूस कर रहे हैं और इनमें से करीब 30-40% ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें अधिक तनाव है। तो अगर उन्हें तनाव है और वे चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये उनकी जरूरत है, तो उनकी जरूरत पूरी की जानी चाहिए। उन्हें ये जानना चाहिए कि अपने तनाव से छुटकारा कैसे मिलेगा, रास्ता आसान कैसे होगा। लक्ष्य बदलने की आवश्यकता नहीं है, लक्ष्य से भागने की भी आवश्यकता नहीं है, सही रास्ते पर जाने की आवश्यकता है और सही रास्ता सही विषय सही जानकारी सही शिक्षा से ही प्राप्त होता है और उन्हीं रास्तों में से एक रास्ता मानसिक विज्ञान के बारे में जानकारी का प्राप्त करना है और इसी विषय के बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं। ये कोर्स जो मैं शुरू कर रहा हूं कई घंटों का होगा और धीरे धीरे इसमें मनुष्य के मन मस्तिष्क की गहराइयों की बातें की जाएंगी। मन और मस्तिष्क एक साथ मिलकर कैसे व्यवहार का संचालन करते हैं, कैसे वे किसी छात्र का कंसंट्रेशन भावनात्मक चुनाव कैसे सुधार सकते हैं या कैसे उसमें बाधा डाल सकते हैं, इस बात की जानकारी आवश्यक है। ये भी जानना होगा कि शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, शरीर स्वस्थ रहने से मन पर क्या प्रभाव पड़ता है और छात्रों में जो हताशा फैलती जा रही है
चाहे वो नौकरियां मिलने से हो या उनके होने से हो या परीक्षा में पास होने की कठिनाइयां हो या किसी दोस्त के साथ कोई प्रतिस्पर्धा की भावना हो या भले ही क्यों ना कोई बीमारी हो, ये रास्ते हैं, ये तकलीफें होती रहती हैं, इनका इन्हें पार करने का तरीका आना चाहिए। हमारे राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम ने कहा था कि नदी में गिरने से कोई नहीं मरता, लोग मरते हैं तैरना ना जानने से। मैं चाहता हूं कि मेरे इस कोर्स से आप जुड़ें और अपने जीवन की सच्चाइयों के बारे में कुछ जानें, अपने रास्ते को आसान बनाएं और उस पर चलते रहें।